चलो भाई पढ़ना स्टार्ट करें। पॉलिटिकल साइंस में लोकसभा राज्यसभा में कानून बनाने का प्रोसीजर कल हम लोगों ने बातचीत की थी और अब हमें समझ में आ गया कि कोई भी कानून पहले क्या बनता है, वो पेश होता है किसके रूप में? बिल। बिल दो तरह के होते हैं, एक ऑर्डिनरी या जिसे आप कहते हैं साधारण, और एक होते हैं मनी बिल्स जिन्हें आप कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, धन विधेयक। धन विधेयक अलग इसीलिए हैं क्योंकि धन विधेयक की पावर किसके हाथ में है? सिर्फ लोकसभा, सिर्फ मंत्री, जबकि साधारण लोकसभा या राज्यसभा मंत्री भी और एमपी भी कोई भी पेश कर सकता है। कल मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया था कि अगर धन विधेयक है तो लोकसभा में ही पहले पेश होगा और किसकी प्रायर परमिशन से? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहले पेश होगा, फिर इस पर बहस होगी, फिर ये पारित होगा, फिर ये कहाँ जाएगा? राज्यसभा। सिर्फ कितने दिन के लिए? अगर ये पास कर दें वेल एंड गुड, ना पास करें इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फाइल कहाँ पहुँचाएंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस फाइल के बाहर एक आदमी के स्टैंप और एक आदमी के साइन है। कौन है वो? लोकसभा का स्पीकर। इसके स्टैंप और इसके साइन देखते ही राष्ट्रपति अलर्ट हो गया कि ये आर्टिकल 110 के तहत मनी बिल है, और राष्ट्रपति को समझ में आ गया कि मुझे फर्स्ट टाइम में ही इस पे साइन करने हैं। मैं क्या हूँ इस पे साइन करने के लिए? बाध्य। ये काम मुझे करना ही करना है क्योंकि कौन सा बिल है ये? मनी बिल। अब आप कहेंगे प्रेसिडेंट को क्यों करना ही करना काम है? क्योंकि पहले परमिशन इसी ने तो दी थी। ये इतनी लंबी कहानी बनी है तो इसके पीछे सबसे पहली शुरुआत किसने की है? प्रेसिडेंट। अब वो मना कैसे करेगा? इसीलिए मनी बिल में सबसे ज्यादा पावर किसके हाथ में मानी गई है? वहीं दूसरी तरफ हमने देखा था अगर ऑर्डिनरी बिल है जिसे आप कहते हैं साधारण विधेयक, भाई आरक्षण है या कोई भी इस तरह का मुद्दा, ये कहीं भी पेश हो सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा। वही इसके तीन स्टेजेस हैं, यहाँ से पारित होके यहाँ फिर वही सब चलेगा और यहाँ से भी पारित होके कहाँ जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर पहली बार में साइन कर दे तो वेल एंड गुड, बन गया कानून, लेकिन अगर पहली बार में साइन करने से मना करे तो फाइल वापस जाएगी, यहाँ दोबारा से डिस्कशन होगा, और अगर इन्होंने कोई चेंज कर दिया, वो चेंज इनको पसंद ना आया, तो फिर क्या बुलानी पड़ेगी? ज्वाइंट सेशन। आपको पता है ज्वाइंट सेशन के तीन कारण हो सकते हैं। पहला कारण, एक पास करे एक बिल्कुल मना कर दे, हम इस बात पे करेंगे ही नहीं पास। दूसरा कारण, एक पास करे दूसरी 6 महीने तक कोई भी, वो लोकसभा राज्यसभा कोई भी हो, रोक के रखे। तीसरा कारण, दोनों ने पास किया था, प्रेसिडेंट ने फाइल वापस भेजी, एक ने पास कर दी चेंज के साथ, संशोधन के साथ, और दूसरे को वो चेंज पसंद नहीं आया। कितनी बार आज तक बुलाई गई है? 3 बार। तीन कारण 3 बार आई। सबसे पहले आई थी किसके ऊपर डिस्कशन था? दहेज। सेकेंड टाइम में बैंक, और तीसरी बार आई थी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, संसद पे जब अटैक हुआ था 2001 में, 2002 में। आज तक 20 साल बीत गए, कोई संयुक्त बैठक नहीं बैठी। धन विधेयक पे कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बैठ सकती क्योंकि यहाँ इसको सिर्फ कितने दिन मिले हैं, और यहाँ पेश भी नहीं हो सकता, तो ज्यादा पावर किसके हाथ में है? लेकिन कितनी अजीब बात है, इसी को हम कौन सा सदन कहते हैं? निम्न। और जिसमें पेश नहीं हो सकता पहले, जिसको सिर्फ 14 दिन दिए गए, उसे कहा जाता है उच्च सदन। प्रथम सदन कौन सा है? फर्स्ट हाउस, लोकसभा, जो लोगों को प्यारा लगेगा ना, लोगों का लोकप्रिय, क्योंकि लोग इसमें शामिल हैं कहीं ना कहीं। ये सब हमने कल पढ़ लिया था, याद है सबको ये? ठीक है, इसको बुक से और पढ़ा दूं ताकि तुम घर पे पढ़ो, तुम्हें आसान लगे ये। देखो जरा विधेयकों के ऊपर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। पहले पेज नंबर 79 पर आओ। 79 का लोकसभा का टॉपिक कंप्लीट था? अच्छा, 80 भी कंप्लीट था? 80 में कहाँ पहुँचे? आपातकाल है ना, आपातकाल कल बताया था लास्ट। ठीक है, गणपूर्ति का रह गया। हाँ, इसको बोर्ड पे पहले समझ लो। गणपूर्ति का मतलब जानते हो? गणपूर्ति, गणमान्य लोग, बड़े बड़े लोग जिनकी पूर्ति होनी चाहिए, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है कोरम। ठीक है, कोरम, कोरम या गणपूर्ति कोई सा वर्ड मिल जाएगा। जैसे लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं? 543। मान लो किसी दिन बारिश है बहुत ज्यादा, नहीं पहुंच पाए, इनमें से सिर्फ 10 लोग आए या 50 लोग आए, मान लो 50 लोग पहुंचे, और 50 लोग अपना एक विधेयक लाए, 50 के 50 लोगों की मंशा हो ये विधेयक को पेश कर दें, इस पे बहस कर लें सेम डे और पारित कर दें, और कह दें हमने तो भैया विधेयक पारित कर दिया। क्या ये ठीक किया इन्होंने? गलत किया। क्यों गलत किया? क्योंकि आप पूरे देश के कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हो? करोड़ों को। और टोटल कितने लोग थे आप? 543। एक नियम है कि आपके टोटल का 1/10 अगर प्रेजेंट नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। आप आओ बैठो, लेकिन आप काम वैसा नहीं कर सकते, नियम बनाने वाला, कानून वाला। 1/10 अगर इसका निकालना हो तो 54.3। अब 54.3 आदमी तो नहीं हो सकता, तो या तो 54 या 55 मान लो, 55 आदमी कम से कम प्रेजेंट हो, तब कोई नियम बन सकता है, डिस्कशन हो सकता है। अगर 55 से कम है तो डिस्कशन का मतलब ही नहीं है, क्योंकि क्या नहीं पूरी हो पाई?
हाँ इसे कहते हैं 54-55 के खेल में मत फंसना, 1/10 याद रखना। तो इंडिया में गणपूर्ति कितनी रखी गई है? हाँ 1/10 कह लो, 1/10 कह लो, 1/10 कह लो। इतने कम से कम लोग प्रेजेंट होंगे तभी संसद की कार्यवाही शुरू हो सकती है, अदरवाइज कार्यवाही नहीं होगी। 1/10 कम से कम प्रेजेंट हो, वही पॉइंट है। आगे ये बहुत बार आता है एग्जाम में, पढ़ के देखो। लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम, अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट लिख लो यहाँ, गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, 1/10। नंबर नहीं लिखने की जरूरत, 1/10 पूछेंगे वो। क्या कहते हैं आगे, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यताएं क्या हैं? पहला, भारत का नागरिक हो। क्या किसी पाकिस्तानी को हम अपने यहाँ पे एमपी बनाएंगे क्या? नहीं, सिर्फ अपने इंडियन को बनाएंगे, तो पहली कंडीशन। दूसरा, उसकी एज 25 साल या उससे ज्यादा हो। तीसरा, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वो कोई लाभ के पद पर ना हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझो। ये कहते हैं किसी कौन से पद पर ना हो, हाँ लाभ का पद पता है क्या है? एक्सप्लेन नहीं किया, एक्सप्लेन नहीं है कहीं भी तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बस लिख दिया लाभ के पद पे ना हो। इसको एक्सप्लेन बाद में किया गया और कहा गया कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब करता है, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो जिसको आप कहते हैं यूनियन लेवल की, या फिर स्टेट लेवल की, यही सरकारी नौकरी हो सकती है। या तो आप देश के स्तर पे काम करते हैं एसएससी के थ्रू, आर्मी एयरफोर्स नेवी के थ्रू, या फिर आप अपने स्टेट में काम करते हैं, इन दोनों नौकरियों को हम कहते हैं गवर्नमेंट जॉब, और इसमें आप एक सैलरी लेते हैं। तो अगर आप सरकार से नौकरी पे रहते हुए सैलरी लेते हैं तो कहा जाता है आप किसके पद पे बैठे हैं। हाँ चलो ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन इसमें गड़बड़ है क्या? लाभ के पद पे जितनी सैलरी मिलती है, कितनी अमूमन 35,000 से लेके ये मान लो 1.5 लाख तक सैलरी होंगी, इतनी तो सैलरी मिलेंगी ना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, ये सैलरी तो लाभ का पद। और दूसरी तरफ कह दिया जितने एमएलए हैं, एमपी हैं, सीएम हैं, पीएम हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर, हम लाभ के पद पर नहीं हैं, जबकि सबसे मोटी कमाई तो तुम ही खाते हो, देश में सबसे ज्यादा रुपए यही तो छापते होंगे ना, इनका पद कौन सा नहीं है? और एक कांस्टेबल जिसका घर परिवार मुश्किल से चलता है, जिसके बूढ़े माँ बाप का इलाज कराना मुश्किल होता है, बच्चे पढ़ाने मुश्किल होते हैं, घर बनाना मुश्किल होता है, पूरी जिंदगी कमा के जो अपना घर मुश्किल बना पाता है, उसको कह दिया जाता है कि तू किस पे बैठा हुआ है? लाभ के पद पे। इसके पीछे एक मंशा पता है क्या है? कोई भी आम आदमी कभी भी इलेक्शन में खड़ा ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि आम आदमी के परिवार में सबसे बड़ा जरिया जो पेट भरने का है वो सरकारी नौकरी है, और सरकारी नौकरी किसका पद कहलाती है? इसलिए कभी कोई लाभ के पद से संबंधित होने के कारण इलेक्शन में खड़ा ही नहीं होता। हो सकता है, लेकिन उसको पहले अपनी नौकरी से इस्तीफा देना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। और तुम सब जानते हो, हम सबको पता है, सरकारी नौकरी से इस्तीफा देना कोई मजाक नहीं है। सरकार आपको पूरी जिंदगी, जब तक आपका 60 साल का जीवन है तब तक आपकी गारंटी लेती है। किसी को पैरालिसिस हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी मिसहैपनिंग हो गई, सरकार उसके साथ खड़ी है। किसी के साथ मान लीजिए कुछ भी बुरे से बुरा, कोई बहुत बड़ा रोग ही लग जाए, किसी को कैंसर हो जाए, अगर वो गवर्नमेंट जॉब में है ना तो उसका सारा खर्चा सरकार उठाती है। मेरे स्कूल के पास एक टीचर थे, उनको कैंसर हो गया, 10 साल तक उनका कैंसर चलता रहा, 50 की एज में एक्सपायर हो गए, उनके घर एज इट इज, स्कूल आ नहीं पाते थे, घर में तनख्वाह पहुंच जाती थी। तो सरकारी नौकरी यहाँ ज्यादा काम आती है, और मिस हैपनिंग का थोड़ी ना पता किसके साथ क्या गुजर जाए, यहाँ जाके गवर्नमेंट जॉब सेफ्टी और सिक्योरिटी देती है। तो इस्तीफा देना कोई मजाक नहीं है, एक तरह का बहुत बड़ा रिस्क है बुढ़ापे तक का, तो इस्तीफा कोई देगा नहीं। और जब तक वो सरकारी नौकरी में है वो क्या कहलाता है भैया? ये तो लाभ के पद, वो लड़ेगा ही नहीं इलेक्शन। और ये जो इतने बड़े पदों पर बैठे हैं जिनके महीने के खर्चे ही पता नहीं कितने कितने हैं, ये सब कहलाते हैं कि हम तो लाभ के पद पे हैं ही नहीं, इसलिए हम इलेक्शन लड़ सकते हैं। और इनकी देखो, इनको कितना लकी बनाया गया जानबूझ के, कोई एमएलए है और इसको लगता है मुझे एमपी का इलेक्शन लड़ना है, ये एमएलए की कुर्सी छोड़े बिना इलेक्शन लड़ सकता है, इसको कुर्सी नहीं त्यागनी। मान लो ये एमपी के इलेक्शन में हार गया तो क्या फर्क पड़ गया, वापस किस पे बैठा हुआ है? एमएलए पे। कितना ज्यादा मतलब ये मान लो कि किस्मत है इनकी, खुद बना रखे ना नियम, हमने थोड़ी ना बनाए हैं। हम अगर चाहें आना तो अपनी नौकरी पहले छोड़नी पड़ेगी, अपनी 3 पीढ़ियों को एक तरह से दाव पे लगा के इलेक्शन लड़ पाओगे? आवाज में ना गूंज है बहुत ज्यादा, इसको थोड़ी कम करवाओ। और ये बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और इच्छा है मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना है, सबसे बड़ा आदमी, इस्तीफा ना दे, इसके हाथ में है। मान लो ये इसमें हार गया तो किस कुर्सी पे तो बैठा ही है, मतलब इसको तो कहीं कोई रिस्क है ही नहीं। और हम जैसे आम लोगों को रिस्क रिस्क भरा पड़ा है, क्योंकि हमें कह दिया जाता है किस पद पे बैठे हैं आप, लाभ के पद पर। ये पॉइंट बड़े काम का समझने का है, तो ये टिक कर लो, लाभ के पद पर ना हो, लिख लो यहाँ गवर्नमेंट जॉब, ये होती है लाभ का पद, चाहे वो 25,000 लेता हो लाभ का पद है, और ये 5 लाख लेने वाले लाभ के पद पे नहीं है। अगला पॉइंट करना, लोकसभा का अध्यक्ष, क्या बताया था मैंने, अध्यक्ष किस पार्टी का बनता है? जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीटें होती हैं। सबसे ज्यादा मतलब कितनी सीटें कम से कम हो सरकार बनाने के लिए? 543 में से कितनी? 272 प्लस, तो क्या लिख देते हैं बहुत सारी बार, 273। इस पार्टी का ही पीएम बनेगा, इसी पार्टी से क्या बनेगा? अध्यक्ष। और लोकसभा का नेता हमेशा कौन होगा? जो पीएम होगा वो लोकसभा का नेता होगा। चलो पढ़ के देखो आगे,
तो लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिख लो. अध्यक्ष कभी शपथ नहीं लेता कि मैं अध्यक्ष हूं. एक बार बोर्ड पे समझो इस कॉन्सेप्ट को. कितने लोग चुन के आए थे? 543. ये सब क्या कहलाएंगे? एमपी. इन सबको शपथ दिलाता है कौन? जब इलेक्शन होता है ना, इलेक्शन का प्रोसेस, भाई एक सरकार हट गई, उसका टाइम पीरियड पूरा हो गया, नहीं आएगी, तो उस टाइम पे सब लोग हट जाते हैं जो इलेक्शन में खड़े हुए कि भाई सरकार का टाइम पीरियड खत्म. लेकिन लोकसभा का जो अध्यक्ष है ना, ये कुर्सी पे तब तक रहेगा जब तक कि नई लोकसभा का गठन ना हो, नए चुन के ना आ जाए. तब तक पुरानी सरकार का, जैसे ओम बिरला है, 2024 में इलेक्शन के बाद बीजेपी तो हट जाएगी. भाई 5-10 दिन के लिए देखेंगे ना कौन बनेगा कौन नहीं, लेकिन ये ऐसे कैसे बैठे रहेंगे? ये एक रूल है. जब अध्यक्ष कब हटेगा? जब नई लोकसभा का गठन हो जाएगा. क्योंकि इसके 543 नए लोग आ गए, कुछ रिपीट होंगे. इनमें जो सबसे ज्यादा एज्ड होगा, जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा, यानी सबसे ज्यादा बुजुर्ग होगा, उसके, जैसे 543 तुम आए हो, मान लो मैं हूं पुरानी लोकसभा से, मैं यहां बैठी हूं कि नहीं आएगी, तब तक मुझे बैठना, मेरी ड्यूटी है. अब जैसे ही नए आएंगे ना, मैं अपने आप हट जाऊंगी और तुम 543 में जो सबसे ज्यादा एज्ड और एक्सपीरियंस्ड होगा, चाहे वो किसी पार्टी का हो, जरूरी नहीं जीती पार्टी का, हारी पार्टी का हो, वो एमपी हो, वो जीत के आया हो, वो अपने आप आगे आएगा. और ऐसे आदमी को जो सबसे बुजुर्ग और एज्ड होता है नई लोकसभा में, इसके लिए एक वर्ड यूज किया गया है, प्रोटेम. क्या कहते हैं इसे? प्रोटेम स्पीकर. तो ऐसे आदमी को कह दिया जाता है ये प्रोटेम स्पीकर हैं. किसी ने बनाए नहीं है ये सिर्फ किसी लिए मान लिए गए हैं. इनके पास दो चीजें हैं, एक तो इनकी एज और इनका एक्सपीरियंस. इन 543 ने कह दिया भैया ये हम में से सबसे बुजुर्ग हैं, ये प्रोटेम है. पुराना अध्यक्ष हट गया, अब ये जिस भी पार्टी के हों बैठे रहेंगे, फिर ये सबको कहेंगे, मान लो मैं ही हूं, मैं प्रोटेम हूं, तुम सबको मैं शपथ दिलाऊंगी, तुम किसी पार्टी के हो, तुम 542 लोग बच गए, क्योंकि एक तो मैं हूं, हम 43 है ना कुल, इन सबको खड़े होकर शपथ लेनी है और सबको वो वाक्य बोलने हैं जो प्रोटेम बोलेगा. ये सब शपथ ले रहे होते हैं किस रूप में, कि हम क्या बन गए भैया? एमपी. ये शपथ लिखी हुई है आपके कॉन्स्टिट्यूशन की बुक के अनुसूची 3 में, 12 अनुसूची है ना शेड्यूल्स, 3 में शपथ लिखी है. तो वो खड़ा होकर 5-6 लाइन पढ़ेगा, सेम पीछे रिपीट करनी है. मान लो मैं पढ़ूंगी और तुम रिपीट करोगे. तुम सबने शपथ ले ली किस रूप में? ठीक है, सब बैठ गए. अब फिर सरकार अपना काम स्टार्ट करेगी और कहेंगे भैया प्रोटेम का काम तो कुछ ही दिन चलेगा, अब हमें अपना प्रॉपर क्या चाहिए? अपना स्पीकर. फिर वो स्पीकर के बारे में देखेंगे, डिस्कशन करेंगे भाई कौन ठीक है कौन नहीं. जीती पार्टी का आदमी बनेगा, फिर स्पीकर आ जाएगा, और स्पीकर जब आएगा तो प्रोटेम अपने आप चला जाएगा. प्रोटेम को कोई शपथ नहीं लेनी. प्रोटेम जो बुजुर्ग है बन गया, नए का चुनाव हुआ, वो आके बैठा और प्रोटेम अपने आप हट गया. अब जो नया आके बैठा, ये पहले शपथ ले चुका किस रूप में, इसलिए इस पद की कोई शपथ हमने लिखी नहीं, हमें लिखी नहीं मिली. तो किस पोस्ट की शपथ नहीं ली जाती? लोकसभा के स्पीकर की. ये पेपर में आएगा, किस पद की शपथ नहीं ली जाती? लोकसभा के अध्यक्ष पद की. ये पहले ही स्पीकर के रूप से पहले किस रूप में शपथ ले चुका? किसने दिलवा दी? प्रोटेम. प्रोटेम कौन बनेगा? एज और एक्सपीरियंस, यानी सबसे बुढ़े अंकल जी जो होंगे वो बन जाएंगे, या कोई आंटी जी हो वो बन जाएंगे. वो सबको शपथ दिला देंगे एमपी की. फिर पार्टी अपने आप जो जीत के आई है, वो अपने में से एक को उठा के कहेंगे आप पूरे 5 साल के लिए स्पीकर हैं. वो स्पीकर जैसे ही आएगा, प्रोटेम अपनी सीट छोड़ के अपनी जगह जाके बैठ जाएगा. अब ये स्पीकर कोई शपथ नहीं लेगा, क्योंकि ये शपथ ऑलरेडी किस रूप में ले चुका? एमपी के रूप में. चलो पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना, बहुत बार आता है ये. तो लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, बल्कि वो सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है. किसने शपथ दिलवाई? यहां लिख लो प्रोटेम, PROTEM. प्रोटेम हमेशा बुजुर्ग होगा, जवान प्रोटेम नहीं बन सकता, ये रूल है. सबसे एज और सबसे एक्सपीरियंस्ड इंसान ही प्रोटेम स्पीकर बनेगा, चाहे वो किसी पार्टी का हो. कांग्रेस का भी बन सकता है बीजेपी के राज में, उसे फर्क नहीं पड़ता पार्टी से. अच्छा, अब सोचो अध्यक्ष बना दिया, लेकिन अध्यक्ष ढंग से काम नहीं कर रहा और सबको लगता है भैया ये स्पीकर हटना चाहिए, ये अध्यक्ष ठीक से काम नहीं कर रहा, फिर क्या करें? इसको हटाने के लिए कोई प्रावधान है क्या? कहाँ का स्पीकर है ये? लोकसभा का. दुखी कौन किसको कर सकता है? ये लोकसभा के मेंबर्स को. तो हटाने की पावर भी किसके हाथ में होगी? लोकसभा के मेंबर्स. यही अपना काम करेंगे और हटवा देंगे. पढ़ो इसमें. 14 दिन की पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है. कितने दिन पहले बताना पड़ेगा? 14 दिन. भाई आपका ये काम ठीक नहीं है, आप पार्शियल हैं, आप सबको टाइम बराबर नहीं देते, आप सिर्फ अपनी पार्टी की तरफ ध्यान देते हैं, तो हटा देंगे. लेकिन उसके लिए जितने लोग प्रेजेंट हैं उनका बहुमत होना चाहिए. और बहुमत के चांसेस कम पता है क्यों होते हैं? क्योंकि जो पार्टी जीत के आई है उसी का तो आदमी है, वो थोड़ी हटाएंगे. अब जैसे आज देखें, 303 बीजेपी के थे आदमी और 50 इनके सहयोगियों के, कितनी सीट हो गई? 353. इन्हीं का आदमी अध्यक्ष है, दिक्कत इनको करेगा या दूसरी पार्टियों को करेगा? अपनी पार्टी को कौन दिक्कत करेगा? अब ये दिक्कत कर सकता है, मान लीजिए छोटी पार्टी जो इनसे सेकंड नंबर पर आती है, कांग्रेस. कांग्रेस की कुल कितनी सीट मिली थी? 52.
55 मिलनी चाहिए थी ना ओपोजिशन के लिए, ओपोजिशन भी नहीं है अभी, अपने साथ सबको गिर पड़ के जोड़ ले तब भी 40-50-90 प्लस मुश्किल बनती है इसकी सीटें। अब ये चाहते हैं कि कौन हटा दिया जाए लोकसभा का अध्यक्ष, ये 14 दिन पहले सूचना देते हैं और कहते हैं वोटिंग करा लो, हमें लगता है ये गलत है, ये गड़बड़ करता है। अब वोटिंग में अपने आप देखो किसकी पार्टी की बात चलेगी, तो तुम्हें क्या लगता है हटाना आसान होगा या बहुत मुश्किल है? कैसे हटेगा, इनका बहुमत है, इन्हीं का आदमी अध्यक्ष है, इनका अल्पमत है, इनका आदमी कितनी कोशिश कर ले हटा ही नहीं पाएंगे, इसीलिए मजाक नहीं है हटाना, क्योंकि सरकार का ही आदमी होता है वो भी। चलो आगे पढ़ो, लोकसभा के भंग होने की स्थिति में, अंडरलाइन करना, अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता। कब तक बैठा रहता है अध्यक्ष? हाँ, जैसे ही नए आएंगे क्यों हट जाएगा वो, कौन आ जाएगा? प्रोटेम। प्रोटेम कौन होगा? जो बुजुर्ग है सबसे, वो किसी भी पार्टी का हो इससे फर्क नहीं पड़ता। तो जिस दिन बैठक स्टार्ट होगी तभी ये हटेगा। अगला पॉइंट चेक करना, लोकसभा में के भंग होने की स्थिति में, ये तो हो गया, लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष काम करता है और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों के पैनल में से कोई व्यक्ति पीठासीन, मतलब उस कुर्सी पर बैठता है। इस पैनल में आमतौर पर कितने सदस्य होते हैं? 6, यानी 543 में से अगर 2 लोग एबसेंट हों, 543 में से कौन एबसेंट हो जाए? अध्यक्ष और डिप्टी स्पीकर। तो फिर कौन बैठक को संभालेगा? तो राष्ट्रपति। हाँ, कितने लोगों को? 6 लोगों का एक पैनल बनाएगा जो एज्ड होंगे प्लस एक्सपीरियंस्ड होंगे, उनमें से कोई एक जाके जो सबसे एक्सपीरियंस्ड है वो इस कुर्सी पर बैठ जाएगा। आप जानते हैं आजकल स्पीकर है लेकिन डिप्टी स्पीकर नहीं है। अगर ओम बिरला कभी मान लीजिए भगवान ना करे 2 महीने बीमार हो गए और बैठक करनी है, तो फिर कितने में से बनेगा ये? 6। ये 6 का पैनल किसकी मर्जी का है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किसकी मर्जी से काम करता है? पीएम। तो उन्हीं के होते हैं ये इंपॉर्टेंट लिख लो यहाँ, पैनल वाला क्वेश्चन बहुत लोगों को नहीं याद रहता। अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता, पैनल किसने बनाया, सब क्वेश्चन पूछते हैं। चलो अगले पेज पर आ जाओ, मान लीजिए एमपी बन गए, एमपी बन के और सेशन स्टार्ट हुआ और कोई आदमी एमपी बन के गया ही नहीं सेशन में, ना उसने कोई खोज खबर दी मैं कहाँ हूँ। 60 डेज तक इनका वेट किया जाता है। अगर 60 दिन तक कोई एमपी बिना बताए गायब हो गया, किसी को बताया ही नहीं मैं कहाँ हूँ, पार्टी को कोई खोज खबर नहीं है, तो फिर कहेंगे इसकी एमपी की सदस्यता रद्द हो गई। तो इसलिए एमपी को ये मत मानो कि इनकी मजे इनको ऐश मारनी है, काम सबको करना है। जितने एमपी है ना ये सब कमेटी के मेंबर बना दिए जाते हैं, बहुत सारी कमेटी बनती हैं और कमेटी को कोई ना कोई काम करना होता है। तो इसलिए ये सोच के चलो कि 543 में हर किसी के जिम्मे का कोई ना कोई काम है, छोटा बड़ा अलग बात है पर काम सबको करना है। इनकी रद्द की जा सकती है सदस्यता अगर कितने दिन ये एबसेंट रह जाएं और बिना बताए, बता के जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ लो अगला पॉइंट, यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। अधिवेशन क्या होते हैं? सेशंस। जैसे हम यहाँ आते हैं भाई, तुम रोज क्लास में आते हो, तुम्हारे अलग 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 क्लास के पीरियड्स होते हैं भाई, सुबह एक पीरियड, फिर सेकंड पीरियड, फिर थर्ड पीरियड, या जिसको लेक्चर कह लेते हैं आपकी एज में। अब इस दौरान जैसे एक टीचर जाता है, एक टीचर आता है, फिर जाता है, फिर आता है, 4-5 टीचर्स आपको रोज पढ़ाते हैं, ये डेली का आपका एक सेशन हो गया। ऐसे ही आपके MPs का भी सेशन होता है, पूरे साल इनको पार्लियामेंट हाउस नहीं जाना, MPs को अपने इलाके में काम भी देखना होता है, भाई मेरे इलाके में क्या हो रहा है, लेकिन साल में इनकी कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए ऐसा आपकी वो बुक कहती है। कौन सी बुक? कॉन्स्टिट्यूशन। कि साल में कम से कम कितनी बैठक करवाओ? 2। ये लिखा हुआ इनफैक्ट कि 2 बैठकों में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से 12 महीने में कितनी बैठक हो गई? 2, क्योंकि 6 फिर 6 फिर 6, तो साल की 2 बैठक। आपके इंडिया में 6 महीने का गैप कोई लेता ही नहीं, साल की शुरुआत करते हैं फरवरी से, ये 7 बैठते हैं फरवरी से मई तक, यानी 3-4 महीने हो गए और ये लगातार बैठ के देश के बजट के ऊपर काम करते हैं, इसलिए इसका नाम है बजट सत्र या बजट सेशन। तो बजट सत्र या बजट सेशन सबसे लंबा है। कब स्टार्ट होता है ये? फरवरी में, और फरवरी के लास्ट वीक में वर्किंग डे पर। फिर ये कब एंड होगा? मई में, तो अभी पीछे खत्म हुआ था। इसके बाद 1-1.5 महीने बाद ये फिर आ जाते हैं जुलाई में, और फिर ये जुलाई अगस्त में काम करते हैं, जिसे ये कहते हैं हमारा मानसून सेशन है, मानसून सत्र। फिर ये फिर अपने अपने इलाकों में जाके काम करते हैं, और नवंबर और दिसंबर जब सर्दियां आएंगी, विंटर सेशन जिसे कहते हैं शीतकालीन सत्र, ये 3 होते हैं आपके यहाँ। ये दिसंबर में खत्म हुआ, जनवरी में काम किया, फरवरी में फिर पहुंच गए, फरवरी से मई काम किया, जून जुलाई अपने यहाँ रहे, जून में बल्कि जुलाई में फिर पहुंच गए, अगस्त तक वहीं रहे, सितंबर अक्टूबर काम किया, नवंबर दिसंबर फिर पहुंच गए। तो 6 महीने कभी पकड़ते ही नहीं है। इनको याद करने का तरीका होता है BMW। बी का मतलब बजट, M का मतलब मॉनसून, W का मतलब विंटर। तो ये 3 आपके यहाँ सेशन है। सेशन का डेज होते हैं, सबसे छोटा सत्र होता है नवंबर दिसंबर का, ये 20 से 22 दिन का रखा जाता है, कई बार 18 दिन का भी, और सबसे लंबा सत्र होता है बजट सत्र, क्योंकि कब से कब तक चलता है ये? फरवरी से मई।
इस फरवरी से मई के बीच में एक ब्रेक आता है, 15 से 20 दिन का ये लोग ब्रेक लेते हैं, इसीलिए इस बजट सेशन को सैंडविच सेशन भी कह देते हैं, सैंडविच ब्रेक नाम दिया गया, सैंडविच ब्रेक। एग्जाम में आ जाएगा सैंडविच ब्रेक किस सत्र की खासियत है, विशेषता है, तो तुम कहोगे बजट सत्र, इतने लंबे के बीच में ही ब्रेक आता है सैंडविच ब्रेक। तो तीन सेशंस हैं BMW, इसमें संसद में सब पहुंचते हैं, सबसे मेरा मतलब है सत्ताधारी जो सरकार बना के बैठे हैं और दूसरे जो क्या कहलाते हैं विपक्षी, या फिर वही सेशंस में अपने विधेयक लाए जाएंगे, बिल लाए जाएंगे, पेश होंगे, बहस होगी, पारित होंगे, फिर नए कानून बनेंगे। तो आपके देश के लिए पॉलिसी मेकिंग का काम करती है लोकसभा और राज्यसभा। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? तीन सेशंस कौन कौन से हैं? BMW, सबसे छोटे वाले का नाम है विंटर, सबसे लंबे वाले का नाम है बजट, सैंडविच ब्रेक किस में आएगा? और बजट हमेशा पैसे का होगा, तो अपने आप दिमाग दौड़ाओ, ये कौन सा विधेयक होगा, इसमें कहां पेश होगा। इसलिए बजट सत्र हमेशा कहां स्टार्ट होता है? लोकसभा। राज्यसभा को कितने दिन देते होंगे ये, और फिर किसके पास जाता होगा, किससे पहले पूछ के पेश करते होंगे, और एक हलवा सेरेमनी भी होती है बजट सत्र से ठीक पहले, उसमें क्या करते हैं, आपका जो ये सिस्टम है ना, ये ऊंची सी पहाड़ी है हमारी, कहते हैं जयपुर के राजा की जागीर थी पुराने टाइम में, अंग्रेजों के टाइम में, जयपुर के राजा की जागीर को अंग्रेजों ने खरीदा, नई दिल्ली जहां बसी है उसके जिक्र कर रही हूं, और इस पहाड़ी जिसका नाम है रायसीना पहाड़ी, सबको पता है ये रायसीना हिल्स, रायसीना पहाड़ी, इस पहाड़ी को ऊपर से काट के इसी पे तुम्हारे देश का राष्ट्रपति भवन बना है, सबसे बड़ी रिहायशी इमारत जो पर्सनल किसी के लिए बनाई गई थी, अंग्रेजों ने बनाया था ये सब, और उस टाइम पर इंडिया का सबसे बड़ा आदमी होता था वायसराय, तो ये वायसराय का दफ्तर बनाया था, जो आगे जाके हमने अपने प्रेसिडेंट का हाउस बना दिया। यहां से ये ऊंचा एरिया, इसलिए कभी पानी नहीं भरता, VVIP सारा इलाका बहुत सोच समझ के डिजाइन किया था, और इसके ठीक सामने एक सड़क जाती है जिसको आप कहते हैं राजपथ, राजाओं का पथ, इसमें आम आदमी परमिशन के साथ चल सकता है, अंदर ऐसे नहीं कि अपनी गाड़ी लेगा राष्ट्रपति भवन के सामने, यहाँ पुलिस वाले खड़े होते हैं, वो जाने ही नहीं देंगे। इसके ठीक सामने ऑपोजिट में इंडिया गेट है, इंडिया गेट जो पुरानी अपने यहाँ जब अंग्रेज थे ना, इन लोगों ने इंडिया बर्मा युद्ध हुआ था, कई युद्धों में हमारे बहुत सारे सैनिक मारे गए, इन सबके नाम अगर आप गए हो तो आपने देखा होगा, इसकी ईंटों पे आपको दिखाई देते हैं अलग अलग से नाम लिखे हुए, ये सब सैनिक थे जो युद्ध में शहीद हो गए, और ये जब बनाया गया था ना इंडिया गेट, तो ये वॉर की मेमोरी में बनाया गया था, इसलिए इसका पुराना नाम था द वॉर मेमोरियल। तो इंडिया गेट का ही पुराना नाम क्या था? हाँ, अब मोदी जी ने इसमें कई सारे चेंजेस किए थे पिछले साल जब ये पेंडेमिक था, पर कोई कुछ बड़ी ऐसी भी चीज़ नहीं है, ये चीज़ें ऐसी की ऐसी स्थित हैं। इनसे थोड़ा दूरी पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जिसे आप कहते हैं लोकतंत्र का हृदय स्थल, और जिसको कहा जाता है भारत की संसद, जिसके दो बड़े बड़े से, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा, लोकसभा में ग्रीन कार्पेट बिछा होता है और राज्यसभा में रेड कार्पेट, दोनों की पहचान है, ये संसद भवन है। इस पूरी बेल्ट को डिजाइन किया था एक आदमी ने, जैसे इस राष्ट्रपति भवन के बाहर ना दो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ऐसे बिल्कुल बाहर ही यहाँ सारे जितने MP है ना, जिनके पास मंत्री, जिनके पास कोई डिपार्टमेंट है, उन सबके दफ्तर है यहाँ। इसे कहा जाता है नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक, यहीं पे आपका ये बजट लिखा जाता है, बजट लिखा जाता है एक ब्लॉक के अंडरग्राउंड नीचे, और बजट लिखने में जो अंदर चले गए ना बिल्डिंग के, जितने दिन वो बजट लिखा जाएगा प्रिंट होगा, बाहर नहीं निकलना होता, वहीं रहते हैं वो, उनके फोन भी स्विच ऑफ कर दिए जाते हैं, और जिस दिन वो छपने का काम स्टार्ट होता है ना, उस दिन को हमारे देश में हलवा सेरेमनी मनाई जाती है, क्योंकि हलवा हमारे यहाँ शुभ संकेत देता है, तो जिस दिन वो स्टार्ट होता है उस दिन हलवा बांटा जाता है MPs के बीच में, और इसके बाद वो बाहर नहीं आ सकते। बजट किसी को नहीं पता होता क्या आने वाला है, बजट एक थैले में, बजट बेसिकली एक वर्ड ही है, बुजेट उससे निकला है, उसका मतलब चमड़े का थैला। तो देखा होगा जब भी वित्त मंत्री पुराने टाइम में आते थे तो हमेशा चमड़े के थैले में उनकी पिक्चर अखबार में आती थी, पर क्योंकि तुम्हारी वित्त मंत्री एक महिला बना दी गई, कौन? निर्मला सीतारमण। अब महिला तो अपने हिसाब से चलेगी, बजट को पीछे फेंका, एक लाल रंग का अपना वो बनाया थैला टाइप का, पता है तुम लोगों को ये पहली बार हुआ था, नहीं तो जितने वित्त मंत्री दुनिया में हैं वो सब चमड़े का बैग लेके चलते हैं, क्योंकि बजट का मतलब ही चमड़े का थैला होता है, लेकिन हम लोगों ने बजट का मतलब अपने हिसाब से कि पैसे का। और खास बात यह है कि बजट शब्द तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, ये पेपर में आ जाएगा, बजट शब्द कहीं मेंशन ही नहीं है उस भारी भरकम किताब में, इसकी जगह लिखा गया वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी पूरे साल में पैसा कैसे खर्च होगा, वार्षिक वित्तीय विवरण, इसके बारे में जानकारी देने वाले कागज। तो वार्षिक वित्तीय विवरण बजट शब्द नहीं है, और बजट से जुड़ी कौन सी सेरेमनी है? हाँ, दो ब्लॉक कौन से हैं? नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक। कौन सी पहाड़ी है जिस पे ये बना हुआ है? इसका पुराना नाम क्या था? वॉर मेमोरियल। 1971 में आपकी और पाकिस्तान की लड़ाई छिड़ी थी, जब इंदिरा गांधी तुम्हारी प्रधानमंत्री थी, और उसमें हम जीत गए थे, पाकिस्तान से जुल्फिकार अली भुट्टो को भारत आना पड़ा था, और शिमला में एक समझौता हुआ था, कभी मैंने शायद बताया भी होगा,
उस टाइम पर आपकी जीत की खुशी में यहाँ 24 घंटे जलने वाली अमर जवान ज्योति ये जलाई गई थी, और बारिश हो, धूप हो, धूल हो, मिट्टी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, ये अमर जवान ज्योति 1972 से कितने साल बीत गए अब तक ऐसे की ऐसी जल रही है। और इस ये गैस से चलती है, ऐसी कोई ज्योत नहीं है जो जलाई जा जाके, वो तो बुझ जाएगी ना। तो ये अमर जवान ज्योति कौन से युद्ध की याद दिलाती है, ये 1971 इंडिया पाक वॉर, और उससे पहले पुराने जो अंग्रेजों के टाइम में बर्मा युद्ध में मारे गए थे, शहीद हुए थे, उन सब की याद में। नाम क्या पड़ गया था इसका? ये पूरा कॉम्प्लेक्स ही कहलाता है न्यू दिल्ली। आपकी राजधानी दिल्ली नहीं है, आपकी राजधानी क्या है? आपकी पहले राजधानी क्या थी? अंग्रेजों ने क्या बना रखी थी? कलकत्ता। जब ये 1911 में एक आदमी था जिसका नाम था जॉर्ज फिफ्थ, जॉर्ज पंचम, ये आया था आपके यहाँ 1911 में, दिल्ली को बहुत सुंदर सजाया गया, कहते हैं दुल्हन की तरह सुंदर दिल्ली, हाथियों की अलग सेना और घोड़ों की अलग, बहुत सुंदर टुकड़ियाँ। जैसे ही जॉर्ज पंचम दिल्ली पहुंचा, इसने तुरंत कहा कि इतने सुंदर शहर को खाली छोड़ के तुम वहाँ इतने कंजेशन में पड़े हो, कहाँ पर? कलकत्ता। राजधानी को उठा के कलकत्ता से कहाँ ट्रांसफर कर दो? दिल्ली। तो बताया गया सर दिल्ली तो बहुत नीचे है, मक्खी मच्छर पानी बड़ा बुरा हाल है, तो जॉर्ज पंचम ने कहा दिल्ली नहीं बसा दो। और फिर बाहर से एक आदमी, एक आर्किटेक्ट आया जिसका नाम था लुटियंस, क्या नाम था इसका? इसने फिर जो दिल्ली बसाई ना उसका नाम पड़ा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में किसी आम आदमी का कोई प्लॉट नहीं है, ये सिर्फ वीवीआईपी इलाका है, एमपीज के घर मिलेंगे, एम्बेसडर्स मिलेंगे, एम्बेसी मिलेंगी, विदेशी लोगों के बड़े बड़े जो बाहर से मतलब जानकारी के थ्रू कि भाई इस देश में हमारे यहाँ से हाई कमिश्नर आ रहा है या एम्बेसडर आ रहा है, या फिर आपके ही लेवल पे काम करने वाले बड़े बड़े एमपी जिनको आपने भेजा, इसमें सारे इलाके में यही लोग बसे हुए हैं। यहाँ किसी आम आदमी की एक गज जमीन भी नहीं है, इस पूरे की डिजाइनिंग किसने की है? लेकिन जो ये भी लुटियंस का, ये भी और वो भी संसद भी, लेकिन जो दो ये है ना जहाँ दफ्तर हैं सारे, चाहे वो किसी का भी हो मंत्री के, इन सबको डिजाइन किया था एक आदमी ने जिसका नाम था हर्बर्ट बेकर। तो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक किसका डिजाइन है? ये दो दोस्त हैं, लुटियंस ने पूरा सिस्टम सेट किया और हर्बर्ट बेकर ने दो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स डिजाइन किए, एक नॉर्थ ब्लॉक और एक साउथ ब्लॉक। क्या ये दिल्ली की कहानी समझ में आ गई? ये नई दिल्ली है, पुरानी दिल्ली तो हमारी थी जो हमारे राजाओं ने बसाई थी, किस नाम से? हमारी तो ये थी दिल्ली का, कौन सी शताब्दी में बसाई थी? 737 एडी में, कौन सी शताब्दी है ये? 8th में। किसने बसाई थी? ये तोमरों ने। फिर इसी में चौहान काम करेंगे, गुर्जर प्रतिहार काम करेंगे, ये हमारी दिल्ली थी, इसको आज किस नाम से बुलाया जाता है? पुरानी दिल्ली। लाल किला अगर आपने देखा है, लाल किले से बाहर निकलते ही आपको ढेर ऐसे बहुत सारे कंजस्टेड गलियां और इस तरह के इलाके मिलेंगे। अगर आप जामा मस्जिद गए हैं तो उसके आसपास बहुत कंजेशन है, वो गलियां नीची हैं, वहां अगर बारिश होगी ना कीचड़ पानी पूरा भर जाता है, वो पुरानी दिल्ली है, अंग्रेजों ने नहीं बसाई, वो हमारी थी। अंग्रेजों ने जो बसाई है लुटियंस ने, वो है नई दिल्ली। आपकी कैपिटल क्या है? नई दिल्ली है, हमारी राजधानी पुरानी दिल्ली नहीं है। चलो पढ़ो इसको अब। लोकसभा अध्यक्ष ये हो गया, उसका पद रिक्त घोषित कर देता है। अब नीचे पहुंचो, ये अध्यक्ष के कार्य और अधिकार, इस कार्य को भी छोड़ दो जो मैंने समझाया है ना, विधेयक वो पहले पढ़ा देती हूँ। पेज 81 पर ही देखो, नीचे आ जाओ, टेबल दिया है, इस टेबल के नीचे करना टिक मार्क। यदि दोनों सदनों के मध्य किसी विधेयक के संबंध में, अंडरलाइन कर लो, किसी विधेयक के संबंध में मतभेद हो जाए तो राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? हाँ, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बोर्ड पे देखो। इकट्ठे आ गए, लोकसभा से कितने आएंगे? और यहाँ से इनका हेड कौन था लोकसभा का? और यहाँ कौन था? सभापति। जो छिपा हुआ असलियत में कौन है? अब एक क्वेश्चन है कि ये 700-800 लोग जब इकट्ठे बैठेंगे तो इनका हेड कौन होगा? तो इनका हेड हमेशा लोकसभा का स्पीकर होगा। कोई कहे अगर ये प्रेजेंट ना हो तो फिर यहाँ का उपाध्यक्ष होगा। ये भी प्रेजेंट ना हो तो राष्ट्रपति नहीं बनाएगा यहाँ। फिर यहाँ कहा गया सभापति को किसी भी कंडीशन में बनने मत देना, उस कंडीशन में ये और ये ना हो तो उपसभापति जॉइंट सेशन की अध्यक्षता कर लेगा। ये लिखित में है, किसको इसको संभालने का हक नहीं मिलना चाहिए? हाँ, क्योंकि असलियत में ये इनसे बाहर है, ना ये 543 में और ना ये 245 में, ये 543 में से ये भी और ये भी। तो 6 आदमियों का पैनल यहाँ नहीं आएगा, वो पैनल कहाँ आएगा? जब लोकसभा की कार्यवाही हो और आदमी ना हो, यहाँ ज्वाइंट सेशन में वो नहीं आएगा। ज्वाइंट सेशन में लोकसभा का अध्यक्ष ना हो, उपाध्यक्ष ना हो, उपसभापति, किसको कभी ये मौका नहीं देना? ये बाहर का आदमी है, इसको नहीं बुलाएंगे इसमें। चलो पढ़ के देखो अब। तो राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, 800-900 लोगों को संभालता है अकेला ये। अगला पॉइंट पढ़ो, संयुक्त बैठक में जितने उपस्थित हों और जितने मतदान में भाग ले रहे हैं, दोनों सदनों के कुल सदस्यों के बहुमत के आधार पर विधेयक को पारित किए जाने के प्रश्न पर निर्णय किया जाता है। अब एक चीज कॉमन सेंस है, बोर्ड पे देखो, ये इन्होंने पास किया था विधेयक, इन्होंने रोका था,
ज्वाइंट सेशन बुलाया गया, किसकी बात मानी जाएगी? जो ज्यादा है, होगा तो वोटिंग, लेकिन वोटिंग में किसके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं? आज तक जितनी बार ज्वाइंट सेशन हुआ हर बार किसकी चली है? लोकसभा, क्योंकि डबल बराबर हो गए ना भाई, वो 250 के आसपास, ये 500 प्लस है, इसलिए कायदे से ज्वाइंट सेशन में भी किसकी ही चलनी है? लोकसभा। पर एक दिखावट है कि ज्वाइंट सेशन बुला लें। नेक्स्ट देखो, लोकसभा में, लोकसभा द्वारा धन विधेयक को प्रमाणित किया जाता है, किसकी स्टैंप लगती है धन विधेयक पर? लोकसभा के स्पीकर की। उसको देखते ही कौन कौन अलर्ट होता है? पहले प्रेसिडेंट की, मुझे परमिशन देनी है, और उसके अलावा राज्यसभा, मेरे पास कितने दिन बच गए? 14 दिन, ये टिक कर लो। धन विधेयक को प्रमाणित किया जाता है कि वो धन विधेयक है या नहीं, उसका निर्णय अंतिम, इसकी मर्जी चलेगी, वो लोकसभा की सभी सदस्य संसदीय समितियों के चेयरमैन की नियुक्ति करता है। अभी ये शायद तुम्हें पता ना चला हो, कोई नहीं, इसको मैं एक दो दिन बाद समझाऊंगी। अगले पेज पे आ जाओ जल्दी से, जो हमने पढ़ लिया उसी के बारे में है। पेज 82 का पहला पॉइंट, संविधान के आर्टिकल 108 में ये पूछ लेंगे, संसद के ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था किस आर्टिकल में है? 108 में इकट्ठे बैठाते हैं। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जा सकता है, कंडीशंस, पहली, विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाए, और यदि, पहली कंडीशन, दूसरे सदन द्वारा विधेयक को अस्वीकार कर दिया गया, क्रॉस, नहीं पास किया, तब। दूसरा, विधेयक पर किए जाने वाले संशोधन, जो चेंज किया, के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए। किसने कहा था चेंज कर दो? राष्ट्रपति ने। पहले दोनों मान गए थे, किसने चेंज करवाया था? अब एक को चेंज पसंद नहीं आया। आगे पढ़ना, दूसरे सदन को विधेयक पारित होने की तारीख से उस विधेयक पारित किए बिना कितने माह से अधिक समय बीत गए? 6 महीने, ठीक कर लो, 6 months। तो या तो 6 महीने बीत गए, या मना कर दिया, या दोनों ने पास किया था, राष्ट्रपति के कहने पर एक ने चेंज किया, दूसरे को चेंज पसंद नहीं आया। चलो बाकी कल पढ़ेंगे।